ओ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज क्लास आपण समस्त बहुत हेल्पफुल होगा जाऊँगी। तो जो मैंने प्रिपेरेशन सिटी एग्जाम बीएड एग्जाम एवं आपणकर हाईस्कल टीचर मेन एग्जाम, तो समस्त ये क्लास इंपोर्टेंट रहा। तो ये क्लास में डिस्कसन करवा केमिस्ट्री मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जोटा कि आपंकर वन लाइनर रहा। तो एमें ये पीडीएफटा कथा जी आपको कहे पखापाखि 700 पखापाखि क्वेश्चन आधार अच्छी, ठीक अच्छे वन लाइनर 700 पखापाखि वन लाइनर अच्छी और आपंकर पखापाखि 200 एम सी क्यू अच्छी। तो आपत जेको एग्जाम प्रिपेरेसन करूँ ये क्वेश्चन ये जो आपंकर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा सीरीजटाए, तो यही क्लास रू ही आपको क्वेश्चन देखा मिले। तो वीडियो को आपड़ फास्ट लास्ट कम्प्लीटली देखिए, वीडियो को लाइक करने सह सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आज जब आप चैनल को फर्स्ट टाइम भी आ चैनल को सब्सक्राइब करना, तो चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे एपर लाटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन आपको देला देखो, रेयन इज कॉल्ड है। तो रेयन को गोटे आप मन रखिए, तो रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहुए, ठीक अच्छे रेयन को कौन कहुए आर्टिफिशियल सिल्क। देन आपको प्लास्टिक इजिली डिफर्म अपन हिटिंग कॉल्ड, तो प्लास्टिकटा को आम इजिली डिफर्म करना हिटिंग करी, तो आम थर्मोप्लास्टिक कह, तो सी जो आफ्टर हिटिंग जो या थर्मोप्लास्टिक कही था। थर्मोप्लास्टिक एग्जांपल समस्त जानते हैं पीवीसी एवं पॉलीथीन, एगुड़ा हूँ थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट हूँ नॉन स्टिक पैन कटिंग विथ, तो आप जो नॉन स्टिक जो आपणकर सब्सटेंस जो कुकिंग आप नॉन स्टिक यूटेंसिल यूज करती, तो से नॉन स्टिक सामग्री गुड़िक आप टेफ्लॉन में या टेफ्लॉन में तैयार होता है, मन रखिए। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ 4R, तो आप पढ़ी 4R 3R, तो 4R रो मीनिंग होची रिड्यूस रीयूज रिसाइकल एवं रिकवर, मन रखिए रिड्यूस रीयूज रिकवर एवं रिसाइकल, ठीक अच्छे। नेक्स्ट है मेटल हाव प्रॉपर्टीज टू कन्वर्ट इनटू डक्ट कॉर्ड, तो आपंकर जो डक्ट फॉर्मेशन होवार, तो डक्ट आप जो डक्टिलिटी और मालेबिलिटी अच्छी, ठीक अच्छे डक्टिलिटी और मालेबिलिटी। डक्टिलिटी क्या कहवा ना मेटाल गोटे प्रॉपर्टी जो कि डक्ट्रे कन्वर्ट हो पाए, तो आम डक्टिलिटी कही था डक्टाइल बोली कही था। नॉन मेटल प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर, माने आप गोटे नॉन मेटल के रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट थाए, ठीक अच्छे सेटा हूँ ब्रोमीन है। नॉन मेटल प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर जोटा कि लिक्विड स्टेट थाए सी हूँ ब्रोमीन। नेक्स्ट देखिए मेटल प्रेजेंट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, गोटे मेटल जोटा कि रूम टेम्परेचर आपंकर लिक्विड स्टेट थाए कि गोटे मेटल, तो ता ना हूँ मर्क्यूरी एच जी, मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए नॉन मेटल बट लॉस्चरस, तो आप गोटे नॉन मेटल किंतु सेटा लॉस्चर हला, तो सेटा हूँ आयोडीन, मन रखिए लॉस्चरस नॉन मेटल हूँ आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेटल स्टोर इन किरोसीन, भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो किरोसीन आपंकर रखा जाए सोडियम आ पोटासीयम को, जेनराली आपंकर सोडियमटा ही क्वेश्चन आसे, सोडियम को आपंकर किरोसीन रखा जाए। नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप ड्राई आइस कहुए, कौन कह जाए ड्राई आइस कहुए, तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर हूँ एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड मानकर नेचर हूँ जनरली बेसिक नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो आपंकर रिएक्टिविटी ऑर्डर अच्छी, तो आप पीरियडिक टेबल देखिए आप जनरल ट्रेंड को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आम देखा नेम दि मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो क्यों क्यों मेटल अच्छा जोड़ा कि वाटर सहित रिएक्ट करती ना, देखो ए जी है एयु है सीयू है एगुड़ा वाटर सहित रिएक्ट करती ना बोली आपको कही। नेक्स्ट देखिए सल्फाइड और प्यूरीफाइड बाय मेथड, देखो दुईटा मेथड अच्छी गोटे हूँ कैल्सीनेसन गोटे हूँ रोस्टिंग आ गोटा स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग है कोक प्रेजेन्स रिडक्शन हे देन स्मेल्टिंग आउ जोटा स्मेल्टिंग आ कौन ना सॉरी स्मेल्टिंग गला जोटा हूँ कैल्सीनेसन आउ रोस्टिंग, कैल्सीनेसन आउ रोस्टिंग होची ओर को हिटिंग करार प्रोसेस जोटा कि कैल्सीनेसन टा आप विदाउट एयर बा लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देले ऑक्साइड ओरटा ऑक्साइड एवं कार्बोनेट ओर को आम हिटिंग कर, सल्फाइड ओर केवल रोस्टिंग प्रोसेस अंतर्भुक्त होता है, ये हाई क्वांटिटी एयर सप्लाई करने को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैल्सीनेसन प्रोसेस यूज टू प्यूरीफिकेशन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ ओर, देखो कैल्सीनेसन मुझे कहली कार्बोनेट ओर। नेक्स्ट देखिए रेस्पिरेशन इज व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो रेस्पिरेशन ने आपंकर कौन किसी क्वांटिटी आपंकर कौन बाहर थाए ना किसी क्वांटिटी एनर्जी बाहर थाए, तो जदि एनर्जी किसी रिलीज हो तो आम कह एक्जोथर्मिक रिएक्शन, कौन कह एनर्जी जदि रिलीज हो तो आम कह एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जदि एनर्जी किसी गोटे रिएक्शन ने कंज्यूम होता आम एंडोथर्मिक रिएक्शन कही था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेम दि कंपाउंड यूज फॉर फोटोग्राफी, मन रखु फोटोग्राफी जनरली आर्गन और ब्रोमीन यूज होता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए KMnO4 K2Cr2SO4 मैंने पोटासीयम परमांगनेट और पोटासीयम डाइक्रोमेट इज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो मन रखिए KMnO4 और K2Cr2SO4 इगुड़ा जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एगुड़ा सब रिएक्शन पाखापाखि यूज होता है एम हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर्मूला ऑफ रस्ट तो जो रस्ट लगी था कलंकी ठीक अच्छे कलंकी हेले आप मन रखिए मैंने कलंकी मीनस ऑक्सीडेशन हो जाए ऑक्सीडेशन हेले वेटा इनक्रीज करे हेला कलंकी फॉर्मूला हूँ रस्ट फॉर्मूला हूँ Fe2O8 × 2H2O। नेक्स्ट देखिए ब्लैक कोडिंग ऑफ सिल्वर कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो आप सिल्वर ऊपर जो ब्लैक कोड गोटे हो जाए है कौन पर हो जाए बाय कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर सी जो आपर मॉइस्चर संस्पर्श आसे तो गोटे ब्लैक कोडिंग हो जाए तो सी ब्लैक कोडिंग फॉर्मेशन होता है कौन ना से सिल्वर सल्फाइड ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए व्हिच मेटल यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ आयरन टू प्रिवेंट द रस्ट। तो आपर रस्ट मैंने रस्टिंग को प्रिवेंट करने तो आप जनरली जिंक्रे गोटे गाल जिंकटा यूज होता है मैंने गाल्वानाइजेशन मेथड रे क्यों मेथड रे गाल्वानाइजेशन मेथड रे होता है। नेक्स्ट देखिए व्हिच मेटल यूज फॉर कोटिंग ऑफ आयरन गला। नेक्स्ट देखा इनर्ट गैस प्रेजेंट इन चिप्स तो चिप्स रे इनर्ट गैस थाए देखु इनर्ट गैस प्रेजेंट इन चिप्स देखो नाइट्रोजन इज नॉट ए इनर्ट गैस तो यहाँ गोटे यहाँ क्वेश्चन एरर अच्छी ठीक अच्छे इनर्ट गैस आपर नाइट्रोजन नुहे तो आपंकर खाली गैस दब तो आम आटमोस्फियर में क्यों गैसटा सबुठ अधिका क्वांटिटी अच्छी तो तार हो नाइट्रोजन ठीक अच्छे क्वेश्चन टाइम एमती करेंगे आम आटमोस्फियर में सबुठ अधिक पाखापाखि 78% नाइट्रोजन अच्छी है ये क्वेश्चन टा एसीड कन्वर्ट लिटमस टू। तो आपंकर एसीडा आपंकर देखो जो एसीड हो तो एसीड है लिटमसटा आपंकर ब्लू लिटमसटा रेड होने आम जाना एसीड बेस कन्वर्ट लिटमस टू तो जोटा बेसिक सल्यूशन हो तो सी कौन कर ना रेड लिटमस को आपंकर कौन कर ना ब्लू कर ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट सीमेंटर मेन कंपोनेंट तो सीमेंटर आप जानते सीमेंटर मेन कंपोनेंट हूँ क्विक लाइम CaO। तो सीमेंटर मेन कंपोनेंट प्रायत आप कहे मन रखिए लाइमस्टोन आउ क्ले मुख्यतः कही था ठीक अच्छे लाइमस्टोन आउ क्ले मन रखिए। नेक्स्ट देखिए स्लाग्ड लाइम रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ CO2 स्लाग्ड लाइम को जितने आम एक्सेस ऑफ CO2 रे रिएक्शन करवा तो CaHCO3H2 फॉर्मेशन होता है मन रखिए। नेक्स्ट देखिए लाइमस्टोन और चॉक मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म तो लाइमस्टोन चॉक जो मार्बल एगुड़ा हूँ एगुड़ा सब लाइमस्टोन डिफरेंट फॉर्म सॉरी लाइमस्टोन नो एटा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन माने कैल्शियम कार्बोनेट आ एसिडिक एसिड रिएक्ट विथ बेकिंग सोडा प्रोड्यूस हिसिंग साउंड ठीक अच्छे। तो एसिडिक एसिड जो बेकिंग सोडा सहित रिएक्शन कर साउंड फॉर्मेशन कर जोटा कि हूँ हिसिंग साउंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ तो कौन पर से साउंडटा आसता है ना साउंडटा आसता है कारण जो फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो सहीटा ही मैंने आपंकर फॉर्मेशन करता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल व्हिच गैस प्रोड्यूस तो आप एसिड रिएक्ट विथ मेटल व्हिच गैस प्रोड्यूस तो मन रखिए POP मैंने पॉप साउंड सहित हाइड्रोजन गैस बाहर था। नेक्स्ट देखिए आलुमिनियम ऑक्साइड इज व्हिच टाइप ऑफ ऑक्साइड आलुमिनियम ऑक्साइड गोटे हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने एम्फोटेरिक सब्सटेंस आप जानते हैं बहुत एसिड आउ बेस आकार एक्ट करेंगे। नेक्स्ट हूँ सेंट्रल आटम प्रेजेंट इन क्लोरोफिल क्लोरोफिल सेंट्रल आटम एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट मन रखिए मैग्नीशियम आज सेंट्रल मेटल इन क्लोरोफिल। नेक्स्ट देखिए सम इम्पोर्टेंट एसिड किसी एसिड आउ तार मानने से क्यों क्यों सब्सटेंस प्रेजेंट थाए ताकू देखा देखो एसिडिक एसिड आपर भिनेगर थाए मन रखिए जोटा कि 5-8% एसिडिक एसिड इन व्टर आम कही था भिनेगर ताको आम कौन कही था भिनेगर कही था फॉर्मिक एसिड आनस्ट्रिंग थाए है नाली पिंपुड़ी जोटा कामुड़े आप फॉर्मिक एसिड जाए। नेक्स्ट हूँ आपर साइट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड जनरली लेंबू एवं आपंकर ऑरेंज रे थाए। नेक्स्ट देखिए टार्टरिक एसिड तो टार्टरिक एसिड जनरल खटालिया पदार्थ जोटा कि टमरिंड है तेतुली ग्रेप्स है तो देन हूँ ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड मैंने जनरली पालंग शाग टमाटो ये आपर ऑक्सैलिक एसिड था लैक्टिक एसिड आप जानते दही कड। नेक्स्ट हूँ मिथान मिथानोइक एसिड नाटल स्ट्रिंग मिथानोइक एसिड आस्कोरबिक एसिड आपर आमलार थाए है। नेक्स्ट नेम ऑफ द कंपाउंड हेल्प इन विंडो क्लीनिंग तो विंडो क्लीनिंग आम यूज कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मन रखिए विंडो क्लीनिंग यूज होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इजन तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हूँ गोटे एंटासीड मन रखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एंटासीड। नेक्स्ट हूँ फिनोफ्थालिन
फिनोफ्थालीन आउ मिथाइलिन जे दिरा होची इंडिकेटर गोटे मन रखिबे। तो फिनोफ्थालीन इंडिकेटर डिजॉल्व इन एसिडिक मीडियम गिव्स कलर। देखो तो फिनोफ्थालीन इंडिकेटर को हमें जितने एसिडिक मीडियम रे डिजॉल्व करेबा तो सी कलरलेस आपनकर हो जीव। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहला इंडिकेटर व्हिच ऑर्डर चेंज इन टू एसिडिक एंड बेसिक मीडियम कॉल्ड। तो आपनकर जो इंडिकेटर जहाँ कि ऑर्डर चेंज हो जाए हला इंटू एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, तो ताको मैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर बोले कहता हूँ। कौन कहते ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन ब्लड रे पीएच हूँ एप्रोक्सीमेटली यहाँ हो पाखापाखि करेक्ट डाटाटा 7.4। टूथ डीके स्टार्ट पीएच वैल्यू। तो आप जो दातटा मैंने दंत क्षय जेनेली है तो हबार पीएचटा के जेनेली पीएच हूँ लोअर दैन 5.5 5.5 रु लोअर हेले दंत क्षय हो जाए। आपन को पचार एसीड रेन पीएच के तो मन रखिए एसीड रेन पीएच पाखापाखि 4.2। नेक्स्ट देखिए अनसाचुरेटेड सल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। तो सोडियम क्लोराइड अनसाचुरेटेड सल्यूशन को आम ब्राइन बोली कही था। कौन कही था ब्राइन आक्वारेजिया। तो यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आक्वारेजिया हूँ रॉयल वाटर बोली कहुए आक्वारेजिया। कौन कहुए रॉयल वाटर बोली कहुए। तो आक्वारेजिया हूँ 3:1 रेसीओ अफ एसीएल एवं HNO3। मन रखिए 3:1 रेसीओ अफ एसीएल आउ HNO3। नेक्स्ट देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ ENO आपण जो इनोर ENO रहला हला। तो आप मेन कंपोनेंट हूँ बेकिंग सोडा जोटा कि हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको सल्वे प्रोसेस यूज टू मैन्युफैक्चरिंग। तो जो सल्वे प्रोसेसटा रहा तो यहाँ वाशिंग सोडार मैन्युफैक्चर पर यूज होता है। मन रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो समस्त जानते प्लास्टर ऑफ पेरिसटा हूँ जो आप देखिथे हाथ कि गोड़ फ्रैक्चर होगा बेले जो आप धला धला गोटा प्लास्टर होता है आपड़ कही। तो सेटा होची प्लास्टर ऑफ पेरिस जोटा कि आम कही था कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट। कौन कही था कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट। मन रखिए कह भी बोलिए तो यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट। नेक्स्ट देखिए जिप्सम केमिकल फर्मुला। जिप्सम हूँ कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O एटा को आम जिप्सम सल्ट बोली कही था। नेक्स्ट देखिए ब्लीचिंग पाउडर। तो CaOCl2 मन रखिए ब्लीचिंग पाउडर है। नेक्स्ट हूँ जहाँ आम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कही था है। नेक्स्ट हूँ ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल हूँ से टाइप्र कैल्शियम सल्फेट्रे जब आम 5टा वाटर मिसेबा तो सी हो ब्लू विट्रोल। मन रखिए नेक्स्ट हूँ ऑयल ऑफ विट्रोल है। तो ऑयल ऑफ विट्रोल यहाँ आप मन रखुद यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट है। तो सिटी एग्जाम बीएड एग्जाम कथा जब कह तो निहत आस पैटर्न आपर ओएसएससी कर मैंने तो आपको प्रोब्लेम क्वेश्चन जैक देखा मिली जेहतु आप 40टा क्वेश्चन आ 40टा तो आपको प्रोब्लेम आसवन ना है 40टा 40टा आपंकर न्यूमेरिकल तो आसवन ना। तो जहाँ भी आपंकर 15+ क्वेश्चन आपको देखा मिले ये टाइप रान मैंने आपंकर डायरेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन आपंपर RST मुझे रखुच्छी निहाती भाव हेल्पफुल रोक। ठीक अच्छे, तो आप मन रखिए ऑयल ऑफ विट्रोल बा किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाए H2SO4। आलॉय ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी गोटे आलॉय हूँ आमालगम। मन रखिए जोटा कि आम जिंक आमालगम यूज कर गोटे रिएक्शन मन रखिए सेटा हूँ कौन ना क्लीमेनसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक अच्छे, नेक्स्ट हूँ आलॉय ऑफ ब्रास। ब्रास आपणकर कहकार मिश्रण ना ब्रास हूँ कॉपर सहित आम जब जिंक मिसेबा कौन मिसेबा कॉपर सहित जब आम जिंक मिसेबा ब्रास हम कॉपर सहित टीन मिसेबा ब्रोंज हम। मन रखिए नेक्स्ट हूँ स्टेनलेस स्टील। तो कलंकी विहीन इस्पात जेनेली आयरन थाए निकेल थाए क्रोमियम थाए। मन रखिए मेन ओर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मुख्य ओर। तो मर्क्यूरी मुख्य ओर हूँ सिनाबार। मन रखिए मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अबुंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट रे अबुंडेंट नोबेल गैस पचारे आर्गन करेंगे अबुंडेंट एलिमेंट पचारे ऑक्सीजन करेंगे। मन रखिए आर राइट आंसर हो ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए नाप्थालीन बॉल्स रिपेल मॉथ इज मेड अप। तो नाप्थालीन बॉलटा आपंकर कोल्टारे या मन रखिए। नेक्स्ट देखिए नेम दि पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिप्लेस द कोल्टार। तो गोटे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जोटा कि कोल रु आप बाहर था जोटा कि आपंकर कौन कला ना रिप्लेस करदे कोल्टार को। तो ना हूँ बिटुमिन्स। कौन ता ना बिटुमिन्स। मन रखिए है तो भेरी भेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG आप जानते फुल फॉर्म पचारे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आउ बायोगैस मुख्य कंपोनेंट हूँ आप मिथेन जार ना हूँ CH4 मार्स गैस बोली कह जाए। मेन कंपोनेंट ऑफ LPG। तो देखो
एलपीजी आपन भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एलपीजी ब्लीचिंग पाउडर ये आप सिलेक्टिव क्वेश्चन है तो मार्स गैस तो एलपीजी हूँ ब्यूटेन एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिते भी थी आपड़ खोजे फास्ट ब्यूटेन को एलपीजी पचारि मैंने ब्यूटेन खोजे ब्यूटेन जब पाईगले देन खोजे प्रोपेन है तो आप प्रोप ब्यूट मन रखे तो एलपीजी कंपोनेंट हॉटेस्ट जोन ऑफ कैंडल कैंडल हॉटेस्ट जोन हूँ आउटर जोन कैंडल हॉटेस्ट जोन कौटा आउटर जोन हेड ऑफ मैचस्टिक जो आप मैचस्टिक जानते जो डीएसएलटा रहा तो मैचस्टिक हेड आपणकर कौन एंटीमोनी सल्फाइड और आपणकर पोटासियम क्लोराइड बा रेड रेड फॉस्फोरस बोली कहुए है तो मन रखिए रफ एरिया ऑफ मैचस्टिक मेड अप ऑफ कौन ना रेड फॉस्फोरस मन रखिए मेन कॉज ऑफ एसिड रेन मुख्य कारण दुटा मुख्य कारक हूँ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एवं आपणकर नाइट्रोजन नाइट ऑक्साइड्स ऑफ माने आपणकर सल्फर एवं नाइट्रोजन है मन रखिए इनक्रीज सीओ टू कनसेंट्रेसन इन एयर कॉज जदि कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा आम आत्मोस्फीयर बढ़ी बढ़ी चल तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी बढ़ी चल तो मन रखिए इनकम्प्लीट कंप्यूशन ऑफ फ्यूल तो जदि माने माने असंपूर्ण दहन है कार ना फ्यूल देन से कार्बन मोनोक्साइड फॉर्मेशन करे कौन फॉर्मेशन करे कार्बन मोनोक्साइड फॉर्मेशन करे मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देखु आलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो माने आपणकर तीनटा आलोट्रॉपिक फॉर्म अच्छी कार्बन तो आपणकर कार्बन तीनटा आलोट्रॉपिक फॉर्म भितर क्यों आलोट्रॉपिकटा हार्डेस्ट पचारे गोटा हूँ डायमंडटा हार्डेस्ट क्योंटी सॉफ्टेस्ट ग्राफाइटा सॉफ्टेस्ट क्योंटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे ना ग्राफाइटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे ग्राफाइट मुख्य कंपोनेंट गोटा कहार ना पेनसिल मन रखिए इन लेड पेनसिल हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ लेड लेड पेनसिल लेड रो मात्रा होची 0% यूरिया रा फॉर्मूला तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट यूरिया अपन चासरे जे देखिथिबे क्षेत्र जनरली कृषक माने यूरिया पके दंदी फॉर्मूला होची NH2CONH2 मन रखिबे NH2CONH2 फॉर्मूला इंपोर्टेंट नेक्स्ट होची सेम मॉलिक्युलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम हेतिबो किंतु स्ट्रक्चर आपनकर अलगा हेतिबो माने कार्बन हाइड्रोजन संख्या सेम थिबो किंतु स्ट्रक्चर रे डिफरेंट तको हमें आइसोमर बोली कहिथो कोन कहिथाउ आइसोमर तो होमोलोगस सीरीज ब्यूटेन प्रोपेन पेंटेन तो पेंटेन ब्यूटेन आपणकर आउ प्रोपेन तो ये जो सीरीज आम जो नेमिंग लिखू ता भितर कॉमन को ग्रुपटा रहे तो कॉमन आपणकर CH2 ग्रुपटा रहे ठीक अच्छे नेक्स्ट मेन कंपोनेंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक जो आपणकर अल्कोहलिक ड्रिंक रहा तो अल्कोहलिक ड्रिंक रो मेन कंपोनेंट होची इथानॉल तो अल्कोहल माने ता दरे अल्कोहल थिवो तो केउ अल्कोहलटा थाए ता दरे इथाइल अल्कोहल थाए दैट इज इथानॉल स्वीट स्मेलिंग ऑफ परफ्यूम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटा देखंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आप जो परफ्यूम आप लगोचंती वेरी माने आपनकर विभिन्न टाइप रो अछि परफ्यूम विभिन्न कंपनी रो परफ्यूम अछि तो आप प्राय तो जान नथिबे परफ्यूम लगोचंती किंतु परफ्यूम जो जोटा स्मेलटा आउछि तो से स्मेलटा केउ ठुर आउछि ना सेतरे गोटे आपनकर प्रेजेंट रहुची ईस्टर ठीक अच्छे आपनर ऑर्गेनिक कंपनी ईस्टर रो प्रेजेंट जो तो से स्वीट स्मेलिंग दौर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ईस्टर रो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को आम सपोनिफिकेशन बोली कही था कौन कही था अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिला माने बहुत एटा भूल करंती केमिति करंती भूल ना अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर देजी तो ईस्टर हाइड्रोलिसिस माने ईस्टरिफिकेशन कर दियंती किंतु ईस्टरिफिकेशन अलग एटा होची सपोनिफिकेशन नेक्स्ट देजी गैस प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक बाहर जो नॉर्मल ये जो कोल्ड ड्रिंक्स रहा तो तादर आप कार्बन डाइऑक्साइड था कार्बोनेटेड वाटर लिखाई था आप जब मार्क करेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म को आम ड्राई आइस बोली कही था कौन कही था ड्राई आइस प्रोसेस इन व्हिच गैसियस कन्वर्ट इनटू लिक्विड तो गैसटा जब डायरेक्ट सॉलिड रे कन्वर्ट है सब्लिमेशन सॉलिड रु गैस डायरेक्ट है सब्लिमेशन देन जब गैसटा आप लिक्विड को कन्वर्ट है देन कंडेनसेशन बोली कही था नेक्स्ट देखिए हूँ स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सन सूर्य आपंकर क्यों स्टेट ऑफ मैटर थाए मन रखिए सूर्य आपर प्लाज्मा ठीक अच्छे प्लाज्मा लाइट स्कैटरिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड तो लाइट स्कैटरिंग इन लिक्विड तक आम टिंडल इफेक्ट बोली कही था कौन कही था टिंडल इफेक्ट फग इज ए फग आपणकर फग हूँ लिक्विड इन गैस को आम फग बोली कही था फग हूँ आउ हूँ स्मोक इज ए स्मोक हूँ सॉलिड इन गैस है स्मोक इज ए स्मोग 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 हूँ फग युक्त स्मोक हूँ स्मोग यहाँ पचारे नेक्स्ट हूँ क्रीम सेपरेट फ्रॉम दी सॉल्यूशन मेथड तो आपणकर क्रीम सेपरेट होता है सेंट्रीफ्यूगेशन
सेंट्रीफ्युगेशन प्रोसेस रे हला। नेक्स्ट देची अर्थ रोटेशन अराउंड द सन ड्यू टू द मेथड ऑफ, तो आपणकर अर्थ जो रोटेट करे सूर्य चारिपटे तो सेटा होची सेंट्रिपिटल फोर्स। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ टू, एटा छाड़ंतु ना ये मन रखुद भी, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मिसिबल लिक्विड व्हिच हैव डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 के। दुटा मिसिबल लिक्विड जार डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रोचे तो ताको हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस रे सेपरेट कर पारिया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाटर रो एटॉमिसिटी बजाची जोड़ा कि हूँ 3 है H2O 3 हूँ एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी। देन नेक्स्ट देखा तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करते किए, इलेक्ट्रॉन को आपण एटॉमिसिटी रो फादर किए ना, एटॉमिसिटी रो फादर आपण जानिथिबे एटा कमेंट कर कहबे समस्ते हला। तो जॉन डाल्टन मध्ये आपण जानिछन्ति ठीक अछि। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करते जे थॉमसन। नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपण बोर करते ठीक अछि, नील बोर मन रखिबे। न्यूट्रन किए डिस्कवर करते, न्यूट्रन आपंकर जेम्स चादुक आप डिस्कवर करते किए करते जेम्स चादुक। नेक्स्ट हूँ आइसोटोप ऑफ यूरानियन यूरानियम इज यूज्ड इन, तो आपंकर जो आइसोटोप रहा यूरानियम आइसोटोप तो से न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होता है जोटा कि यूरानियम 235। नेक्स्ट देखिए ह्विच आइसोटोप यूज फर कैंसर ट्रीटमेंट, यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट, तो कैंसर ट्रीटमेंट पर आपंकर कोबाल्ट यूज होता है। तो आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज्ड इन, तो जो आयोडीन आइसोटोप रहा तो गोइटर जो रोग रहा तो गोइटर ट्रीटमेंट पर गलगंड रोग पर तो अपना ट्रीटमेंट यूज होता है। सेम मास नंबर बट डिफरेंट आटोमिक नंबर तक आम आइसोबार बोली कही थाउ, जदि सेम आटोमिक नंबर रहा डिफरेंट आटोमिक मास रहा देन तक आइसोटोप बोली कही थाउ मन रखिए। डिफरेंट एलिमेंट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जदि न्यूट्रॉन नंबर सेम रहा देन तक आइसोटोन बोली कहवा, कौन कहवा जदि न्यूट्रॉन नंबर सेम रहा तक आम आइसोटोन बोली कहवा। सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज हूँ जोटे ग्लुकोज्र पॉलीमर मन रखिए, सेलुलोज हूँ ग्लुकोज्र पॉलीमर। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 ठीक अच्छे, ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 18 नोबेल गैस बा इनर्ट गैस बा आपण जीरो ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप 17 जो हालोजन फैमिली, ग्रुप 16 हूँ आपंकर चालकोजन फैमिली जोटा हूँ आपणकर ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट हूँ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हालोजन एवं कहली, 18 है नोबेल गैस बा इनर्ट गैस। नेक्स्ट हूँ ग्रुप 1 को कौन कहवा ना, ग्रुप 1 एलिमेंट को आम अल्काली मेटल कहवा, ग्रुप 2 को आम अल्कालाइन अर्थ मेटल कहवा। प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इफ एसिड एंड बेस, तो आपंकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है आमर क्या क्या मध्य होता है ना, जिते गोटे एसिड सहित जो गोटे बेस रिएक्शन कैसे तो से सल्ट आउ व्टर फर्मेसन है, कौन होता है सल्ट आउ व्टर तक आम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोली कही था मन रखिए। देन देखिए बोरन ट्राइहैलेट्र एसिडिक स्ट्रेंथ लुईस एसीडिटी अर्डर, मुझक बहुत थर पढ़ाई जो बोरन ट्राइहैलेट्र जब लुईस एसीडिटी अर्डर पचारे सबुठ अधिका लुईस एसीडिटी हम बोरन ट्राइब्रोमाइड्र देन बोरन ट्राइक्लोराइड्र देन सब लास्ट हम बोरन ट्राइफ्लोराइड्र। कारण कौन ना बोरन ट्राइफ्लोराइड्र अधिका कहीं नुहे, कारण बोरन ट्राइफ्लोराइड बैकबंडिंग शो करे तो से BF3 कम हो जाए। नेक्स्ट हूँ एक्वस सल्यूशन ऑफ CuSO4, तो कॉपर सल्फेट रो एक्वस सॉल्यूशन डा एसिडिक इन नेचर मन रखिए। व्हिच ऑफ द मोलारिटी और मोलालिटी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो मन रखिए मोलारिटी टा टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे। आपण देखिए विटामिन प्रेजेंट इन आस्कोर्बिक एसिड, तो आस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी रो आपणकर जानिथिबे विटामिन सी रो केमिकल नेम होचे आस्कोर्बिक एसिड। क्लाउड इज ए एग्जांपल ऑफ, तो क्लाउड गोटे एरोसोल रो एग्जांपल। मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर जो आम यूज करूँ तार मोनोमर यूनिट हूँ आइसोप्रीन है मन रखिए। नेक्स्ट देखिए गैस यूज फॉर प्रिपेरेशन ऑफ सॉलिड वनस्पति घी फ्रॉम लिक्विड वेजिटेबल ऑयल, तो आपंकर यूज होता है हाइड्रोजन गैस मन रखिए। हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट हो कि टेम्परेरी हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन वाटर। नेक्स्ट देखिए मोनोसाकराइड यूनिट आर लिंक्ड टू ईच अदर इन द पॉलीसाकराइड बाय, तो पॉलीसाकराइड रे जो मोनोसाकराइड यूनिट लगी था तो बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मन रखिए। ग्लाइको जो आपर ग्लाइकोसाइड रहा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द्वारा लगी था। मेटल यूज फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर आप प्लाटिनम यूज होता है, कौन यूज होता है प्लाटिनम। इन पीरियडिक टेबल लोएस्ट आयनेशन एन्थाल्पी फाउंड इन, पीरियडिक टेबल रे सबुठ लोएस्ट आयनेशन एन्थाल्पी होची अल्काली मेटल मानकर। पोटासियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो पोटासियम एटा फॉर्मूला मन रखिए, तो पोटासियम होची K2SO4
एंड एल टू एस फोर होल थ्री है ट्वेंटी फोर एस टू थाए तो आप जेनेल मन रखिए के टू एस फोर इंटु एल टू एस फोर होल थ्री देन ट्वेंटी फोर एस टू से आम पोटासलम कही थो कौन कही पोटासलम। तो ओवरअल फ्रेंड्स शहे पंदर टी क्वेश्चन आम डिस्कसन कले तो ये सीरीजटा कंटिन्यू रही दुई तीन दिन लगे टोटाल पीडीएफ टाक आम कम्प्लीट करवा ठीक अच्छे सियोर सर्ट आप एग्जाम क्वेश्चन पाइबे आर एस टी हो सिटी पिला माने होंतु बीड पिला माने होंतु एवं जे कोनसे एग्जाम पे आपन प्रिपरेशन करंतु ए क्वेश्चन आपन पे जनरल साइंस पार्ट रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहइबो। तो आशा करछु आपन को वीडियो भल लागथु जदि वीडियो भल लागथु वीडियो को लाइक करिवे संगन सहित वीडियो को शेयर करिवे चैनल को जदि फर्स्ट टाइम बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना दी चैनल काइंडली सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे एही लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो थैंक यू।